भाई लोग गुज्जू हिस्टोरिकल मैन चैनल पर क्राइम स्टोरी दिखाने का मतलब किसी अपराधी अपराधियों को बढ़ावा देना ना है। अपुन का एक किच फंडा है, लोगों तक सही जानकारी पहुंचे। अपुन को 420 के वोल्ट का सपोर्ट देने के लिए अपने सभी भाई लोग का दिल से शुक्रिया। कैम जो मजामा भाई लोग, आज ना एक गलत इन्फॉर्मेशन को सही करने आया ला अपुन। अपुन ने लॉरेंस बिश्नोई, नीरज बवाना, जितेंद्र गोगी, काला जठेड़ी या यूं कहें दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, बोले तो अक्के उत्तर भारत के बड़े बड़े भाऊ लोग की अक्की क्राइम कुंडली यूट्यूब पे चिपका डाली। कल अपन फालतू में बैठे बैठे सोच रहे लागी क्यों ना गैंगस्टर की लव स्टोरी सुनाई जाए। अब कोई बड़े गैंगस्टर की लव स्टोरी आएंगी तो लोग भी देखेंगे, व्यू भी आएंगे और चैनल का ग्रोथ भी होएगा। फिर क्या, लग गया काम पे मई। अपन ने इंडियन गैंगस्टर की लव स्टोरी पर रिसर्च करना शुरू किया। तब अपन के सामने एक रावस गैंगस्टर की लव स्टोरी आएली। किसकी लव स्टोरी थी पता है? लॉरेंस बिश्नोई की। अब जिस बंदे का नाम सुन के बड़े बड़े भाऊ लोग का नाड़ा खुल जाता हो, जिसकी फैन फॉलोइंग भी तगड़ी हो, अगर उसकी लव स्टोरी लोगों के सामने आए तो फिर जाहिर सी बात है तहलका मचेगा। तब अपुन ने लॉरेंस बिश्नोई की लव स्टोरी के बारे में रिसर्च करना शुरू किया। देखा तो लॉरेंस की लव स्टोरी वाले जितने भी वीडियो थे उन वीडियो पे मिलियंस में व्यू थे। वीडियो के टाइटल क्या थे पता है? लॉरेंस का अधूरा प्यार, लॉरेंस की दर्दनाक प्रेम कहानी। ऐसे तो अनगिनत वीडियोस थे, उन सारे वीडियो में एक ही कहानी थी कि डीएवी कॉलेज में लॉरेंस बिश्नोई को एक लड़की से इलू इलू हो गए ला। मगर जब लॉरेंस बिश्नोई कॉलेज का चुनाव आ रहा तो उसके दुश्मन बड़े मारपीट लड़ाई झगड़ा होने लगा। इसी चक्कर में विरोधी ग्रुप ने लॉरेंस की गर्लफ्रेंड को जिंदा जला दिया। अपने प्यार को खोने के बाद लॉरेंस बिश्नोई अपराध की दुनिया में आया ला। ताजुब की बात तो यह है कि इन सारे वीडियो में कमेंट भी गजब के थे। आप भी कभी उन वीडियो में कमेंट पढ़ना, क्योंकि आज जो मैं कहानी सुनाएंगा ना उसके बाद उन कमेंट को पढ़कर आप भी हंसोगे। इधर अपुन ने भी सोचा, अपुन भी साला गाय को पीछे रहेगा, लॉरेंस बिश्नोई की लव स्टोरी के ऊपर वीडियो बनाएगा तो मिलियंस में व्यू आएगा। मगर अपुन ने थोड़ा और रिसर्च किया, फोन की घंटियां बजानी शुरू कर दी। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में जिन लोगों से अपुन ने बात की ली उन लोगों ने उसके बारे में क्या जवाब दिया पता है? तो सुनो भीड़ो, लॉरेंस बिश्नोई की कोई लव स्टोरी ही ना थी। अबे उसकी गर्लफ्रेंड ही ना थी तो फिर लव स्टोरी कहाँ से आएंगी? उन लोगों ने बताया कि हाँ, अगर 10वीं 12वीं में गर्लफ्रेंड होगी तो अलग बात है, मगर कॉलेज में कोई गर्लफ्रेंड ना थी, क्योंकि जब लॉरेंस डीएवी कॉलेज में पढ़ाई करने आया तब से स्टूडेंट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व था, तो गर्लफ्रेंड के चक्कर में टाइम वेस्ट करने का उसके पास वक्त ही ना था। बट रियल चक्कर क्या है तो सुनो भीड़ू, लॉरेंस दिखने में एकदम ही चिकना, लड़की लोग उसको देखते ही फ्लैट हो जाती। इस चक्कर में वीडियो बनाने वाले ने सोचा कि इसकी लव स्टोरी के ऊपर अगर वीडियो बना दे तो जमकर व्यू आएंगे, और वीडियो बना दिए ले। देखो आज अक्खे यूट्यूब पे लॉरेंस बिश्नोई की लव स्टोरी के ऊपर हजारों वीडियो है, मगर लव स्टोरी वाली बात टोटल गलत है। चाहता तो मैं भी बना सकता था, क्योंकि भाई मुझे भी मिलियंस में व्यू चाहिए, मगर व्यू के चक्कर में जो लोग अपने जिगरी या अपना डेली वीडियो देखता है उनको गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे सकता ना। हाँ, कई बार अपुन से भी गलतियाँ हो जाती है, अपुन कोई परफेक्ट बंदा तो ना है, मगर जानते हुए गलत चीज़ लोगों को देना गलत बात है और अपुन को ऐसे व्यू नहीं चाहिए। तो लास्ट में एक ही बात बोलेंगा मैं, लॉरेंस बिश्नोई की कोई लव स्टोरी ना थी, वह वर्चस्व के चक्कर में क्रिमिनल बना है। लॉरेंस बिश्नोई को एरा गेरा नत्थू गेरा समझाया गया। मामा लॉरेंस बिश्नोई ना फायर है फायर, लॉरेंस बिश्नोई दिमाग से खेलता है। कभी सुना है कि लॉरेंस बिश्नोई ने खुद किसी को मारा हो, फिर भी उसके नाम की तुत्ती बोलती है अखे उत्तर भारत में। मीडिया वाले फालतू में उसे क्राइम सिंडिकेट का बोस नहीं बोलते, वह इस बात का जिगरा रखता है, हजारों क्रिमिनलों को पालता है। तो भाई लोग, अपन किसी की तारीफ नहीं कर रहे ला, मगर यही लॉरेंस बिश्नोई की सच्चाई है। तो चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं अभी।